नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूज टुडे और मैं हूँ रूहानी। हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं जो बिहार की राजनीति में एक अलग ही वर्चस्व रखते हैं और लगातार जो है चर्चा में भी बने रहते हैं, क्योंकि समाज सेवा से उनका एक अलग ही नाता रहा है। कोरोना काल में हमने देखा, और अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है व्यूज टुडे में। जी, नमस्कार। और बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को। वो हमेशा अमन से रहें, सलामत रहें, ये मेरी उनको हृदय से, अपनी गहराइयों से मैं उसको दुआ देता हूँ। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लगातार हमने देखा है कि आप अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा मुखर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक अलग ही फैन फॉलोइंग आपकी है, तो आपने किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार आप केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं, उनकी नीतियों को घेर रहे हैं, और हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल हैं और बिहार के भी राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी, उनको सीबीआई के द्वारा समन दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं पप्पू जी? देखिए, दो तीन बात पहले इसको समझने की जरूरत है। सरकार की कोई भी पॉलिसी या किसी भी चीजों की पॉलिसी, वो संविधान के मुताबिक ही होनी चाहिए। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जी लोकतंत्र की पूरी समावेशी जो हमारा रंग है, हम जो वसुधैव कुटुंबकम के जो लोकतंत्र की पहचान है, जी मानव मूल्यों की, विश्व मानव कल्याण का, ये जो कंप्लीट रूप से मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमें हमें इकुलते की आजादी का है, सबके विचारों की आजादी को सुरक्षा देने की है, सबके अध्यात्म को, सबके इष्ट को, भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को अपने तरीके से पूजे जाने की आजादी का अधिकार है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में हम लोग इकोनॉमिकल सॉल्यूशन के अलावे के जगह हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। जी उसी का उन्हीं कारणों से आज समाज में जो सभी तरह की स्वतंत्रता है, उस पर हमले हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई या फिर सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से उपयोग इस समय किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ, उसको मैं आप वही कैसे बता देखते हैं? रहा क्या हूँ। ये लोकतंत्र के लिए सही है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जब पुलवामा की घटना घटी थी, तो जी मेरा ट्वीट आप निकाल लीजिए, मैंने उसी वक्त इसको गलत कहा था कि जी ये मुझे मैं जे एक एक नजर में मुझे ये प्रायोजित लगता है। जी आप मेरा ट्वीट 15 तारीख का निकाल लीजिए, जी या मैं आपको भेज देता हूँ। उस वक्त किसी को बोलने की और ट्वीट करने की हिम्मत नहीं हुई थी, जी और मैंने अकेला ट्वीट किया था। उस वक्त हमको गालियां मिली थी, बहुत सारी चीजें, हम चुप नहीं बैठे थे। जी मेरा सवाल उस वक्त भी था, जो बात आज सतपाल मलिक जी ने दोहराए हैं कि मैंने हेलीकॉप्टर देने की बात कही तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा चुप हो जाइए। मैंने कहा दूसरे रोड बंद करें, हमको सुरक्षा के एहतियात पर दूसरा रोड खुला क्यों, तो मैं प्रधानमंत्री ने कहा चुप हो जाइए। मैं उस वक्त भी ये सवाल किया था कि आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार रोड के द्वारा मेरे सैनिकों क्यों ले जाया जा रहा है। जी फिर दूसरी बात मैंने कही थी, क्या हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है सैनिक के जीवन की सुरक्षा के लिए और भारत के आत्मविश्वास और उसके सम्मान के लिए, तो ये किसने। एक दूसरी चीज मैंने उठाया था कि जब सड़क द्वारा लिया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, तो दूसरी सड़कें बंद क्यों नहीं की गई। तीसरी बात मैंने उठाया था कि ये कैसे पता चला कि अमुक ही गाड़ी बस है जिसमें सभी राज्य के चार्चर पर्पस अलग अलग सिपाही बैठे हुए, जबकि ऐसा अमूमन नहीं, अमूमन एक बटालियन ही एक जगह लोग रहते हैं। जी लेकिन अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इसको ऐसे समझा जाए कि अलग अलग स्टेट, क्या ये एक एक सोच नहीं थी कि लाशें हर स्टेट में जानी चाहिए, जितने मजबूत स्टेट वहां जानी चाहिए ताकि इसका रिएक्शन हो। दूसरी 3.5 किलो, 3 क्विंटल और 350 लोकल अध्यक्ष ये कहाँ से आया, ये जी कौन लाया बाबू जी, एक इसके सवाल ला ये भी है, एक सर सवाल मेरी जी मेरा एक एक जी ये कौन लाया, कहाँ से लाया, इस पर आज तक कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। क्या वो पाकिस्तान से आया, हिंदुस्तान से आया, पाकिस्तान से आया तो कौन लाया, इसके भारत में रहने वाले कौन लोग हैं, भारत से लाया तो इसमें किसकी किसकी भूमिका है। एक डीएसपी भी अध्यक्ष से गिरफ्तार हुए थे, याद होगा आपको, वो अमूमन वो बेल हो गए, उसकी आज तक चर्चा तक नहीं हुई।
और ये सवाल 1923 हो गए, आज तक इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और आप सारे मानते हैं कि जो सत्यपाल जी को जिस तरह से सीबीआई का समन इस समय जारी किया गया, क्योंकि कल ही मैंने बातचीत की है सत्यपाल जी से, और उन्होंने भी कहा ये राजनीतिक एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है पूरे भारत में, कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको दबाया जाए, जो सरकार की नीतियों के विरोध में है उनको चुप कराया जाए ईडी या फिर सीबीआई का इस्तेमाल कर। भाजपा की चाटुकारिता, चमचागिरी, दलाली जो करें, आप इसको उठा के देख लीजिए। शरद पवार के भतीजे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, सब केस खत्म हो गए। जी आप उठा के देख लिए मुकुल राय, पहले आए सब कुछ खत्म हो गया, सिक्योरिटी मिल गई, फिर छोड़ के गए, फिर आए। जब जब इनके साथ जो लोग जदुरप्पा यह है, इनके साथ सारे ब्रदर्स हैं, इन पर कितने आरोपें लगी, जितने आरोप भाजपा, ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग वो लोग हो गए कि नहीं, मैं कंप्लीट जो भाजपा के साथ है वो सती सावित्री है, महात्मा गांधी कहा है। जाता है ना कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, भाजपा के नेता लगातार कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और जो देश के विरोध में बात कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस को सर लगातार मुझे पंजरे मुझे में एक रखते बात हैं। समझ में नहीं आता, भाजपा को राष्ट्र का पता ही नहीं, जी राष्ट्रवादिता का पता ही नहीं। भाजपा का ना के लोगों ने आजादी नहीं देखी, ना आजादी में भूमिका है। भाजपा के लोग ना तो गरीब, ना तो उन्होंने, आज सबसे ज्यादा जाति जनगणना का विरोध भाजपा, सबसे ज्यादा आरक्षण का विरोध भाजपा, लेकिन सबसे ओबीसी ज्यादा ओबीसी को संविधान का विरोध भाजपा। यादव जी, जिस तरह से ओबीसी को लेकर इस समय आप जिस तरह से जनगणना की बात कर रहे हैं और बिहार में भी इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस अब राष्ट्र स्तर पर इसकी मांग उठा रही है, लेकिन मोदी सर ने इसको लेकर जिस तरह से एक विवाद खड़ा हुआ, अदालत में मामला पहुंचा, सूरत कोर्ट ने सर 2 साल मैं की मेरी सजा बात सुनाई। पूरी गौर से मेरी बात देखिए। राष्ट्रवाद बगैर मानवतावाद के, और बगैर गरीबी से मुक्ति के, और बगैर सर्वधर्म संभव और बस सार्वभौमिकता के, वसुधैव कुटुंबकम के, राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। जी राष्ट्रवाद का मतलब ही है पूर्ण जीवन, इकोनॉमिकल फ्रीडम, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट जो है वो, मिनिमम रिक्वायरमेंट फंडामेंटल राइट जब तक नहीं होगा तब तक आप फ्रीडम टू स्पीच, हमें राइट ऑफ एजुकेशन, जी सर मेरी बात आप सुन लीजिए, जी राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ इकोनॉमी, ये जब तक आप संपूर्ण भारत, आप बात करते हैं खैरात बांटने की, जी सबसे ज्यादा टैक्स देता है 54% मिडिल क्लास और गरीब के लोग, बिल्कुल सबसे ज्यादा। जी और जो 10 आदमी है, जो जिसके पास 40% दौलत है, और जो 54% दौलत है, जिसको 100 लोगों को दौलत है, वो 3% टैक्स देता है। और ये भाजपा इस 10 लोग और 3% टैक्स देने वालों को लेकर के आज देश चला रहा है, जो बिकता है वो दिखता है पापू जी, जिस तरह से सोशल मीडिया। मेरी बात जम्मू सर मैडम कश्मीर सुने, में, आप भी सांसद रहे हैं, हम जानते हैं कि संसद में भी आपकी आवाज काफी गूंजी, और जम्मू कश्मीर के सांसद से जब मैंने भाजपा के सांसद से ये पूछा कि देखिए महंगाई चरम सीमा पर है और जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान पर है बेरोजगारी में, लगातार महंगाई पर चर्चा जब होती है तो सरकार भाग रही है, किनारा कर रही है, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की महंगाई देख लीजिए, एक तरह से खरी खोटी सुनाते और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की महंगाई गिना रहे हैं। देखिए एक बात आप समझने का प्रयास करिए, नाइजेरिया से भी ज्यादा गरीब हम हो गए, जी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से भी ज्यादा मौत की संख्या मेरे यहाँ, हमसे बेहतर है श्रीलंका, पाकिस्तान, नाइजेरिया। एक गरीबी और बेरोजगारी में हम दुनिया के नंबर 1 पे हैं। हम भाग भगवान किस्मत के सहारे जीते हैं, हम वैज्ञानिक, हमारी हम जो प्रगति किए हैं मात्र दो दो चीजों में, जी एक है विज्ञान, दूसरा है तकनीकी। जी उसके बाद हम हर चीजों में पीछे हैं, 100 साल, 200 साल। भाजपा प्रोपगंडा मास्टर की बात करता है, उसको यदि विकास की बात करता है तो पुलवामा को जांच कराए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, विकास की बात करता है तो अदानी के मामले को जांच कराए जेपीसी और अदानी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, विकास की बात बात करता है तो इनको इंटायर काउंटर जो हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी पूरी जांच कराए, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जाति विशेष को अपनी स्वजातियों को, एक क्रिमिनल को नहीं मारा, उसकी जांच करा ले। ये हमेशा, इसको आप इसका इतिहास उठा करके देखिए, ये हमेशा फालतू बात करता है, हमेशा। और
इसको भारत की इकोनॉमी से, इसको भारत के महंगाई से 1350-1400 रुपया राइट टू हेल्थ कर दिया कांग्रेस ने राजस्थान में, जी 500 सिलेंडर कर दिया कांग्रेस राजस्थान में। जी ये सब कुछ अदानी और अंबानी को, बाबू जी, और ये अदानी अंबानी को देंगे। नीतीश जी की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम कहें तो कोई भी सरकार होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं और शराबबंदी की दावेदारी हर एक बार जो घोषणा पत्रों में करते हैं। तो अभी हमने देखा है कि बहुत से लोग जहरीली शराब से उनकी मौत भी हुई है, और वो क्या कारण रहे? क्योंकि यहाँ पर दिखाया कुछ जा रहा है, धरातल पर मौतों का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, पहले तो ओबीसी की बात पर हम ये हो कि भाजपा हमेशा, इनको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि ओबीसी कितनी जाति है, दलित का कितना आ, 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 क्या स्थिति है। जी जो आदमी दलितों को भाग भगवान किस्मत के भरोसे सिर्फ 10 किलो आटा और 10 किलो चावल दे करके जो 54% टैक्स देता है मिडिल क्लास और गरीब के लोग, जी उसको ये लोग गाली देते हैं, खैरात की बात करते हैं कि हम खैरात में दे रहे हैं। जी एक दूसरी चीज, जिसको एजुकेशन अभी तक 10% आरक्षण इन्होंने ले लिया, जी हम इनसे यह पूछना चाहते हैं, ये पहले हमको यह बता दे कि जो आरक्षण 9वीं सूची में स्टालिन ने आज किया है 67-72%, जी उस जी पर ये चर्चा नहीं करते हैं, जाति जनगणना पर विरोध करते हैं, 67-70% क्या कहते हैं ओबीसी का जो बैकलॉग है जिसको भरना चाहिए वो जेंडर कोटे से भरा जाता है, जी डिप्टी डायरेक्टर को ये बिना रिटर्न के, बिना किसी चीज के, ये एक पद सृजित किया है जो आरएसएस तय करेगी। 90 पंच, इनको पहले पूछिए इनके मंत्रिमंडल में कितने काबिल आदमी है और कितने ओबीसी लोग हैं, इनके सेक्रेटरी में एक भी दलित ओबीसी नहीं है, इनका इनकी पूरी संरचनाएं कंप्लीट रूप से जी आरएसएस के द्वारा है, इनका जो को ऑर्गेनाइजेशन है वो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद है जो दंगा करता है, और उसका पूरा बेनिफिट अभी रामनवमी में, हम लोग के बाप दादे ने कभी लाठी तलवार नहीं उठाया, जी अभी राम का कैरेक्टर है कंप्लीट, प्रेम का, त्याग का, जी कुर्बानी का, किसी जी भी भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का कैरेक्टर होता है प्रेम का, मानवता का, जी इंसानियत का, इसके भगवान का कैरेक्टर कहाँ हो गया? भगवान का इस्तेमाल ये नफरत का, डर का, मौत का, बम का, गोली का, अब तो पर में निकलने में डर लगता है, और ये नीतीश जी कभी को क्या ऐसा नहीं हुआ। बाबू जी, क्या नीतीश जी को आप दावेदार मानते हैं प्रधानमंत्री के समक्ष? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो मुख्य नेता हैं राष्ट्रीय राजनीति के। एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी जाति, हेलो, नरेंद्र मोदी घोंच जाति से हैं, घोंच, आप ओबीसी नहीं फिर है। से दोहराएंगे, आप फिर से दोहराएंगे क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा नरेंद्र जो इलाके घोंच तेल निकालने, ये ओबीसी नहीं है, पहले आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जी ये हर चीजों को ब्लैक, सोसाइटी का इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, जैसे पुलवामा का इसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, उसी तरह ये राहुल गांधी जी जी और कांग्रेस, जिस जी तरीके से इन्होंने मानहानि, एक बात हमको बताइए, इसमें मानहानि कहाँ से होता है? जी जब ये बात करते है कर्नाटक में कि कैसे नीरव मोदी की जो जैन है ओबीसी नहीं है, ललित मोदी जो मारवाड़ी है ओबीसी नहीं है, बात वहां की हो रही है, ये अपने पर लाके ओबीसी ओबीसी कर रहा है, ये तो ओबीसी का भी अपमान लेकिन करता है। लेकिन लेकिन लगातार भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री का अपमान किया, और प्रधानमंत्री का अपमान जो है वो पूरे देश का अपमान है जो सरनेम सर का उपयोग कर रहे हैं। मुझे तो एक बात बताइए, पहले तो इस प्राइम मिनिस्टर को यह समझने की जरूरत है, जब ये बाहर जाके प्रचार करते हैं और SBI और LIC का पैसा बाहर जा करके एक बैंकर, एक रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर को चेंज करके सारा पैसा अपने मित्र को देते हैं, तो मित्र कहने में डरते हैं, ये तो जांच से डरते हैं, कौन सी का 56 इंच का सीना, लेकिन ये ईडी छप्पन इंच का सीबीआई सीना पप्पू जी, ये 56 इंच का गुलाटी सीना ले लेगा कहा जा उसके रहा है, कहीं तो आगे। दोहराया जाएगा, फिर से दोहराया जाएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे। सर अमित शाह जी गर्जानी भक्ता है, उन्होंने तो अभी नड्डा ने कर्नाटक में कह दिया कि कर्नाटक के लोग नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वंचित रह जाइएगा। अब आप हमको एक बात बताइए,
नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जनता भगवान होता है कि पप्पू यादव या कोई नेता भगवान हो सकता है? आशीर्वाद की जरूरत पप्पू यादव को है, ये लोग आशीर्वाद नहीं चाहिए। इन लोगों को चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई का, आईबी का, मोदी का, अति मोदी कहते अदानी का, अंबानी का, चुनाव आयोग का और ईवीएम का पप्पू आशीर्वाद जी, इन लोगों जिस को तरह प्राप्त। से आप बेबाकी से बोल रहे हैं तो क्या मानूं मैं कि विपक्ष के लिए आपके जैसे नेता की जरूरत है राष्ट्र राजनीति में, और एक बड़ा चेहरे आप प्रधानमंत्री के सामने के चुनाव लड़ सकते हैं। मैं एक बात आपको पहले बताऊं कि इनमें भगवान है अदानी अंबानी। एक व्यक्ति ने अपना पैसा लगाया, अदानी को मैनेजर बनाया और उस पैसे से अब ये सोशल मीडिया और सारी चीज को हेल्प जी करते हैं। उसको ये सोसाइटी में धूल झोंकने वाली जो बात होती है, ये शिलालेख, शिलाफल, जी जी 40,000 रुपया महीना इनकम, तो ये पत्थर लेने की बात करता है। जी ये हमेशा पत्थर लेने की बात करता है। तो जो आदमी पत्थर के पूजा करेगा वो कर्मयोगी नहीं होता, वो कृष्ण और किसी भगवान की बात नहीं कर सकता। अच्छा, एक तो मैं आप आखिरी एक सवाल दूसरी बात आपसे। दूसरी बात ज्यादा सवाल है नीतीश कुमार का, जी तो शराब शराब देश भर में चल रहा है, फैक्ट्री है, हमको समय समय पर पॉलिसी चेंज करना पड़ता है। जी 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 लोकसभा विधानसभा बनाई है अमेंडमेंट के लिए, जी जी सब मिल करके बंद किए थे और सब नेता पदाधिकारी दारू पीता है और अभी तक दारू नहीं हुआ, लोग लगातार मर भी रहे हैं और हमारी पूरी इकोनॉमी बाहर जा रही है, 40,000 करोड़ इकोनॉमी बाहर जा रही है। जी इसको पहले आप ऐसे समझिए, हमारा जी डेवलपमेंट भी रुक गया। 100 रुपये का शराब हम ज्यादा में ले रहे हैं, ड्रग्स एस्मैक्स कोरेक्स व्हाइटनर सुलेशन ये ज्यादा पीने लगे, हमारे बच्चे होम डिलीवरी होने लगी, जी नेता पदाधिकारी माफियाओं का घर भरने लगा, तो जी हमारे पैसे सब जगह जा रहे, तो जी ये सही नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और भी जहां तक बात है, जो देश में जब सब जगह दारू है, मैंने गुजरात महात्मा गांधी, तो हम गांव में नहीं ले जाए जहरीली शराब को, तो पहले खत्म करें और जी शराब की पॉलिसी को 70% टैक्स करके हम लोग को इस बात को समझना होगा कि हम लोग को कैसे कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, जी आखिरी सवाल आपसे करूंगी, बहुत समय ले लिया, कि आपको क्या लगता है इस समय लगातार कह रहे हैं कि अस्थिर छप्पन इंच का सीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी गंगा पर, को अस्थिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनके सामने विपक्ष का कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो कड़ी टक्कर देगा? हमने देखा देखिए, पूर्व में हिंदुस्तान में मैं वाराणसी से आपको चुनाव एक लड़ा बात था, बता अरविंद केजरीवाल ने हार गए थे। इस समय नीतीश बहुत कोशिश कर रहे हैं गया, विपक्ष को एक मंच के नीचे लाने के लिए, तो क्या लगता है नीतीश अस्थिर से कुमार? चलने बोलो ना, थोड़ा सस्ते से चलने मिठाई लेना है। एक बात याद रखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि विपक्ष के वोट के बिखराव के कारण ये 2 बार हो गए और इन्होंने सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग किया। पहले इन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन और ये सारी चीजों का ब्लैकमेलिंग करके कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, जबकि इससे बड़ा भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई नहीं। कांग्रेस जी ने दुनिया के निर्माण में आज जो तकनीकी और विज्ञान है वो कांग्रेस और इस देश के अब्दुल कलाम, जेम्स, बाबा आइंस्टीन जैसे लोगों के कारण है और कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई उसके कारण है। जी आज जो हमको कस्तूरा, जो भी स्कूल, जितना भी हम 10% 12% ही जो हम एजुकेशन हो रहे हैं वो उनकी देन है। जी जहां तक नरेंद्र मोदी 9 सालों में इन्होंने क्या किया आप उठाइए, नोटबंदी को ये छू, अस्थिर से चलना यही पर होगा, नोटबंदी को ये छूना, आगे 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 आगे, आगे, आगे। नोटबंदी को ये अपनी पॉलिसी बनाया, उसको ये छोड़ दिया। जीएसटी की वही हाल, जनधन डेवलप स्किल स्टार्टअप सबकी वही हाल, इन्होंने रोजगारी बेरोजगारी का वही सबसे वही हाल। तो सबसे बुरा हाल क्या है, एक बात भी आप हमको बताइए नरेंद्र मोदी जी के समय में लगभग फैक्ट्री भारत की करीब 48 फैक्ट्री बंद हो गई, इन्होंने एक फैक्ट्री नहीं ला पाया, जी इन्होंने बेस्ट पॉलिसी इग्नोर नहीं करना पाई, बस इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, बहुत बड़े तादाद में अदानी जी को नंबर 1 बना दिया, इन्होंने आरएसएस और बीजेपी को हर जगह ऑफिस बना दिया, जी आरएसएस को अरबपति बना दिया, जी इन्होंने समाज को बांटने में, नफरत और डर पैदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जी इन्होंने भगवान का इस्तेमाल करके इन पॉलिटिकल मोटिवेशन किया, उसका पॉलिटिकल वेंडेटा तय किया, उन्होंने भगवान
के सेंटीमेंट से इन्होंने वोट लेने का लगातार प्रयास किया। इसीलिए ये कोई ठिकाना नहीं कल हिंदुस्तान पाकिस्तान वार कर दे, कोई ठिकाना नहीं। एक तो बम पटक के झूठों का कहेगा मार दिए कर दिए, एक नया सेंटीमेंट। ये चाइना की बात नहीं करते हैं, ये अमेरिका और रूस की बात नहीं करते, ये हमेशा पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं, जी ये नेपाल की बात। इसीलिए कि पाकिस्तान की बात करके इनको सेंटिमेंट सेंटिमेंटल बात करना, सेंटिमेंट के तरीके से हिंदुस्तान के जो सनातनी हिंदू है, जो वो कतई किसी भी कीमत पर भारत में वो इंसान के दुश्मन, इंसानियत के लिए खतरे नहीं है। ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और इसको मानने वाले कुछ जो कट्टरपंथी लोग हैं, उसको हिंदू नहीं कहा जा सकता। सनातनी हिंदू सर्वधर्म संभव सार्वभौमिकता का है, वसुधैव कुटुंबकम का है पप्पू यादव, जो गरीब है मिडिल क्लास, ये गरीबी पर बात नहीं करता है कभी जी, ये खैरात पर बात करता है, यही यही गरीबी खत्म करने पर बात नहीं करता है, ये आप इसको समझिए। इसीलिए तो इसीलिए मैं आपको एक बात तो समझिए जी, नरेंद्र मोदी जी बने या ना बने इस पर मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा कि इसको नहीं करना, इसको पर मेरा है कि जनता तय विपक्ष को क्या चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आज सारे विपक्ष की आवाज बंद कर रहे हैं, सबको खरीद रहे हैं, डरा रहे हैं, कर्नाटक को ही हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे। उसके बाद ये ईवीएम की जब बात हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट मेरी बात नहीं सुनता है, सब लोग चीजों को कोर्ट चंद्रचूड़ जी है तो चंद्रचूड़ जी को तय करना होगा किसी भी कीमत पर कि यह देश बचेगा कि नहीं। 2014 में के 24 के बाद इस संविधान यह बदल देगा, 2024 के बाद ये कंप्लीट रूप से अमेरिकन डेमोक्रेसी ले आएगा, ये लोकतंत्र को खत्म कर देगा, 2024 के बाद ये आरक्षण खत्म करेगा, 2024 के बाद ये आरएसएस पॉलिसी से ये देश चलाना चाहेगा। ये टू थर्ड मेजोरिटी क्यों मांग